आप देख रहे हैं crime100news.com, हर खबर सच के साथ। कानपुर आउट महाराजपुर पुलिस और स्वॉट टीम के हत्थे चढ़े अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह। थाना महाराजपुर और स्वॉट ने दो शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों शातिरों की पहचान जनपद कन्नौज के अफजल और इशाक के रूप में हुई। पकड़े गए शातिरों ने पूछताछ में बताया कि दोनों शातिर अलग अलग राज्यों में जाकर भीड़ भाड़ जगह जैसे शोरूम मॉल और बाजारों से मोबाइल चुरा कर नेपाल में बेचते थे। नेपाल में चोरी के मोबाइल की अच्छी कीमतें मिलती है और साथ ही एमी नंबर से पकड़े भी नहीं जाते हैं। इन चोरों के पास से 23 मोबाइल फोन व आईफोन जैसे ब्रांडेड फोन बरामद किए हैं। आउटर अपर पुलिस अधीक्षक आदित्य कुमार शुक्ला ने जानकारी दी कि पकड़े गए दोनों चोरों पर कानूनी कार्यवाही कर जेल भेजा जा रहा है। ये जनपद कानपुर आउटर में थाना महाराजपुर के अंतर्गत अलग अलग राज्यों से भीड़भाड़ बाजार शोरूम माल आदि से जो चोरी करके अभियुक्त मोबाइल फोन लाते थे और चोर बाजार में बेचते थे। ये भी प्रकाश में आया कि नेपाल में भी जाकर बेचते थे। तो इस प्रकार से एक अंतर्राज्यीय गिरोह ये एसओजी टीम और हमारे इंस्पेक्टर महाराजपुर ने पकड़ा है, तो इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इससे दो प्रकार के मोबाइल दोनों से दो अभियुक्तों से कई प्रकार के मोबाइल बरामद हुए हैं। अभियुक्त अफजल और इशाक इनसे कुल मिला के 23 मोबाइल बरामद हुए हैं और इनका आपराधिक इतिहास भी और देखा जा रहा है। लेकिन प्रथम दृष्टया पूछताछ में उन्होंने कहा कि हमारे और कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन हम इनका आपराधिक इतिहास देखेंगे कि उन्होंने बड़ी घटना को अंजाम देते थे। अभी इनकी जो भी इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई पर की जाए। इसके साथ में जो अन्य सदस्यों का भी हम लोग पता कर रहे हैं, यदि इसमें अन्य की संलिप्तता पाई जाएगी तो उस पर भी विधिक कार्रवाई।